रोहित से बगावत करने की सजा 3 सीनियर खिलाड़ियों को मिली, हो गए टीम से बाहर। अनुशासनहीनता के खिलाफ रोहित ने की ऐसी कार्रवाई की टीम में मच गया हड़कंप। विश्व कप से बाहर हो गया टीम का सबसे धाकड़ खिलाड़ी। टी20 विश्व कप में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन 3 मैच जीतकर टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है। बावजूद उसके भारतीय टीम के खेमे से आ रही एक खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। रोहित शर्मा से अनुशासनहीनता करने पर टीम इंडिया के एक ऐसे खिलाड़ी को विश्व कप टीम से बाहर कर दिया गया है जो कभी टीम इंडिया का सबसे खतरनाक ओपनर हुआ करता था। टीम इंडिया का सबसे युवा, सबसे पॉपुलर खिलाड़ी जिसने रोहित शर्मा के फैसले पर नाराजगी जताई थी, उनके फरमान की नाफरमानी की थी। आखिरकार उसे अब टीम से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका से उसे वापस हिंदुस्तान लौटना पड़ रहा है। उस खिलाड़ी का नाम है शुभमन गिल। खबर ये है कि टीम में शामिल न किए जाने की वजह से शुभमन गिल नाराज थे। उन्हें रिजर्व प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था और नियमों के मुताबिक किसी खिलाड़ी के चोटिल होने या फिर किसी वजह से बाहर होने पर रिजर्व खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया जाता है, लेकिन इन सब के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यही वजह है कि शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के फैसले से नाराजगी जताई थी। यहां तक आरोप लगा दिया था कि अपने चहेते यशस्वी जायसवाल को टीम में खिलाने के लिए उन्हें बाहर बिठाया गया है। और तो और शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को अपने इंस्टाग्राम से ही अनफॉलो कर दिया। उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया और अब गिल का टीम से पत्ता साफ हो गया है। शुभमन गिल ने जनवरी में आखिरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैच खेला था, तब से वो टीम से बाहर चल रहे हैं। इससे पहले श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को भी रोहित शर्मा के आदेशों की नाफरमानी करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। ईशान किशन को रणजी मैच में न खेलने, श्रेयस अय्यर को टीम के कैंप में प्रैक्टिस न करने की वजह से रोहित शर्मा का प्रकोप झेलना पड़ा था और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम तक से बाहर कर दिया गया। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बाद अब रोहित शर्मा के अगले शिकार शुभमन गिल हुए हैं। अब देखना यह है कि शुभमन गिल का टीम में वापसी हो पाती है या नहीं। शुभमन गिल भारतीय टीम का एक ऐसा ओपनर खिलाड़ी है जो जबरदस्त परफॉर्म करता है। विश्व कप के मुकाबलों में भी शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्म किया था। इसके साथ ही आईपीएल के मुकाबलों में भी शुभमन गिल का बल्ला खूब बोला। बावजूद इसके शुभमन गिल की जगह यशस्वी यादव को टीम में चुना गया और शुभमन गिल को रिजर्व में रख दिया गया। यही बात शुभमन गिल को नागवार गुजरी और उसने रोहित शर्मा के फैसले पर सवाल उठाया और आखिरकार रोहित शर्मा पर जिसने भी सवाल उठाया उसका टीम से पत्ता कट हो गया और अब शुभमन गिल रोहित शर्मा के तीसरे शिकार बने। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।